वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में और इन शेयर के सिर्फ लेवल के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हो इनमें से किसी भी शेयर के ऊपर कोई मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, इस शेयर का नाम है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 405.70 रुपये और आज के दिन में जो इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 0.74% डे हाई पे हुई है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका। जैसे कि आपको पता होगा कल के दिन एक अच्छा खासा मूव था, पर आज के दिन इस शेयर में कोई अच्छा खासा मूव हमें नहीं देखने को मिला। पर फिर भी अगर आपका ट्रेडिंग का प्लान है इस शेयर के अंदर तो मेरे हिसाब से 2 दिन और वेट करो। अगर 400 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है तो उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे बाय कर सकते हो और जो आपका SL होगा 400 रुपये का ही होगा। अगर इसने 400 रुपये से नीचे अपनी डे की क्लोजिंग दी तो उस समय आप डिसाइड कर लेना आपको कितना लॉस आप रख सकते हो। पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर के अंदर तो मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। जब ये आपको 300 रुपये के आसपास शेयर मिले तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास ये शेयर अभी ऑलरेडी है तब भी आप 400 रुपये का SL रख सकते हो, नो इशू। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 488 रुपये। आज के दिन इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 1.60% डे लो पे हुई है। अब एक बार बात करते हैं, देखो कल के दिन एक अच्छा खासा मूव इसमें आया था और जैसा कि हमेशा होता है अगर किसी भी शेयर में एक अच्छा खासा पीक आता है चांस होता है कि आने वाले कुछ दिनों में गिरावट भी आएगी। कल के दिन एक अच्छा खासा पीक आया पर आज एक गिरावट हुई है इसमें। तो अभी के लिए अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इसे बाय करना चाहते हो मेरे हिसाब से अभी मत करो, इसे थोड़ा वेट करो। जब ये शेयर आपको 400 रुपये से कम मिलेगा यानी ये 390 रुपये के आसपास मिलेगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना। पर अभी के लिए जैसा कि अगर आपके पास ये शेयर है तो सिंपल है, अगर जो करंट प्राइस है अगर इससे इसने 2% का आप एक वो रख लो। अगर आपके पास शेयर है 2% से अगर इसने नीचे के दिन अपनी डे की क्लोजिंग दे दी, या आप ये रख लो या रख लो आने वाले 2 दिनों तक अगर इसने अपनी डे की क्लोजिंग लगातार 2 दिन के अंदर लो में दी तो उस कंडीशन में आपने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तब मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करो, अभी ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग के पूरे पूरे चांस है। ये कभी शेयर 500 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया ना, 500 प्लस के ऊपर सस्टेन हो गया तो उस कंडीशन में अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में हमें जो अपना SL रखना है वो रखना है करीब 490 का SL रखना है अगर 500 प्लस के ऊपर सस्टेन हो गया तब। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है राज श्री पॉलीपैक लिमिटेड। अगर हम देखें रिटर्न वर्सी FD काफ़ी बेटर है, डिविडेंड काफ़ी बेटर है। अगर आप चाहते हो इस शेयर का कोई डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। अब एक बार लेवल देख लेते हैं। जैसा कि इस शेयर में अच्छा खासा पीक आया था और इस शेयर ने अपना ना 200 रुपये का एक सपोर्ट को ब्रेक करा और इसके साथ इसने अपना 52 वीक जो एक सपोर्ट था उसको भी इसने ब्रेक करा। तो अभी के टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी मत करना। जब ये आपको शेयर 150 रुपये के आसपास मिले ना तभी, जब ये शेयर आपको 150 रुपये के आसपास मिले, 150 रुपीज़ के आसपास मिले तभी आपने इसमें इन्वेस्ट करना है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो आने वाले 2 दिनों तक अगर ये शेयर 200 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है तो उस कंडीशन में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और आपका जो इसमें SL होएगा वो होएगा 195 रुपीज़ का। और जो इसका फ्यूचर में टारगेट है, अगर जैसा मैंने बोला है दो दिन अगर 200 रुपये के ऊपर सस्टेन हुआ तो आने वाले टाइम में आराम से 220 प्लस ये शेयर जा सकता है। पर इन्वेस्टमेंट का सिंपल है, जब 150 रुपये के आसपास मिले तभी आपने इन्वेस्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।